Hello students welcome back on my youtube channel it's gurpal singh your economics and accountancy teacher so students in this video we are going to study very important topic from the economics that is employment in india as well as unemployment in india okay this is very very important uh, questions for you from the board examination point of view okay so in this video we will discuss all the things important things related to your examinations from the topic employment and unemployment in india okay so see if you are having ncit book open topic employment and unemployment okay in this video we will discuss about basic concepts of employment and unemployment size of workforce in india what is the rate of participation in india that how many peoples in india are participating in the gross domestic product okay as well as we will study about the occupational structures, distribution of workforce by industry, and remaining next topic like jobless growth, okay, why people are unemployed in India mostly, okay, what is the industrial sector in our country, that all the remaining topics we will discuss in the next video, okay. So, in this video only, we will discuss four topics. ओके रिमेनिंग फोर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो सो स्टे कनेक्टेड द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वीडियो एज एज वेल वॉच द नेक्स्ट अपकमिंग ओके सो कम टू द पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इज वॉट इज अनुप्लॉयमेंट अनुप्लॉयमेंट क्या होता है एनीबडी नोस वॉट इज अनएमेंट अनुप्लॉयमेंट क्या है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे लोग काम करना चाह रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स राइट देख सकते हैं आप लोगों के लिए मैंने एक इमेज भी ऐड कर रखी है यहां पे कि भीड़ लगी हुई है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अपेरिंग इन द इंटरव्यू टू गेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब टू गेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब सो द दर्सन आर अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड मीन्स आर नॉट गेटिंग जॉब साथ साथ आप लोग अपनी नोटबुक्स पे नोट करते चलिए ओके सो राइट डाउन ऑन योर नोटबुक अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क ठीक है ना कि लोग काम कर सकते हैं उनके अंदर स्टेमिना है काम करने का साथ साथ में उनको जो भी पेमेंट मिल रहा है जो भी सैलरी मिल जाए जो भी पैसा मिल जाए वो लोग उस पर भी राजी हैं कि हम काम कर लेंगे हमसे आप कुछ भी करवा लीजिए बट हमें जॉब दे दीजिए बट स्टिल द पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स एंड दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड पीपल ठीक है जिनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार ओके कि जिसके पास कोई भी जॉब नहीं है जिसके पास कोई भी जॉब नहीं है वो बंदा क्या हो जाएगा अनएम्प्लॉयड मीन्स विलिंग टू वर्क इच्छा है काम करने की ठीक है जिस रेट पे मिल जाए हम उसी पर करने को तैयार हैं बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग जॉब फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है ओके इट शुड बी नोटेड विद इम्फेसिस दैट सच पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज इट आर नॉट कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड एक चीज़ ये भी बहुत ध्यान में रखने वाली है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आज अगर मुझे टेन थाउजेंड की सैलरी वाली जॉब मिल रही है ठीक है आज मुझे टेन थाउजेंड की सैलरी की जॉब मिल रही है मैं कह दूंगा अरे यार मैं तो ये करूँगा नहीं मुझे तो अच्छी सैलरी की जॉब चाहिए मुझे तो वन लाख पर मंथ वाली जॉब चाहिए तो उस अब... आपको कम सैलरी में जॉब करनी पड़ेगी बट आप कम में करेंगे नहीं आपको काम आएगा नहीं आने वाले टाइम में कोई आपको जॉब पे रखेगा नहीं एंड यू विल बी अनएम्प्लॉयड फॉर होल लाइफ ठीक है आपको बहुत लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहना पड़ सकता है ना सो दैट इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हमें काम मिल रहा है ठीक है ना बट एग्जिस्टिंग वेज रेट उस रे वेज रेट पे बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है तो बेटा उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं जोड़ेंगे एक तरह से वो है बेरोजगारी पर उसको हम बेरोजगार नहीं कह सकते क्यों? क्योंकि it is, ना, ये उसकी इच्छा है कि वो काम नहीं करना चाह रहे इट इज हिज और हर चॉइस दैट ही और शी इज नॉट विलिंग टू वर्क ओके अब बात आती है हु इज अ वर्कर क्या पॉइंट आ रहा है हु इज आ वर्कर तो बेटा वर्कर कौन है कोई भी एक बंदा जो किस प्रोडक्शन की एक्टिविटी में इंगेज है प्रोडक्शन एक्टिविटी मीन्स ही और शी इज इंगेज इन अर्निंग मनी ठीक है लाइक विज कोई भी डॉक्टर है या कोई भी एक मैकेनिक है दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स ओके चीज़ों को बना रहे हैं ठीक है प्रोडक्शन करने में इंगेज हैं उनको हम क्या बोलेंगे राइट इन कॉमेंट सेक्शन वट वी विल से वी विल से टू आर वर्कर्स द पर्सन आर इनगेज इन द सम प्रोडक्शन एक्टिविटी अ वर्कर और एन इंडिविजुअल इन इनगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट टू जी डी पी बाई रेंडरिंग हिज और हर सर्विसेज ठीक है अब जो भी बंदा प्रोडक्शन की एक्टिविटी में बेटा इनगेज होगा वो क्या करेगा दे विल अर्न मनी दे विल अर्न मनी वो पैसा कमाएंगे साहब पैसा कमाएंगे तो जब पैसा आएगा तो पैसे में से हम क्या करेंगे जीडीपी में भी इन्वॉल्व करें जीडीपी का मतलब क्या हो गया यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी बेटा जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि हमारी कंट्री की जो कंट्री के पास इंटरनल रिसोर्सेस हैं क्या है इंटरनल रिसोर्सेस हैं उनसे कंट्री को कितनी इनकम हो रही है ठीक है टोटल जो इनकम कंट्री अपने इंटरनल रिसोर्सेज से करेगी उसको हम क्या कहेंगे जी कहेंगे ओके इनकम कंट्रीब्यूटेड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन फिजिकल ईयर बाय द डोमेस्टिक सोर्सेज हाँ यहाँ पे फॉरेन की इनकम को हमें नहीं लेना है हमें फ़ॉरेन की इनकम को नहीं लेना है ठीक है डोमेस्टिक सोर्सेज मतलब जो इंडिया के ही रेसिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के ही रेसिडेंट जब पैसा कमा करके और हमारे देश की इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे तो देन देर इज अ जो जीडीपी उसे हम क्या कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं क्या है अगला टॉपिक बेटा इट इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स भाई सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे सेल्फ का क्या हुआ मतलब अपना खुद में एम्प्लॉयड का मतलब क्या है इंगेज इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो इंगेज है पैसा कमा रहा है सो so, ऐसे लोग जो अपने खुद के बिजनेस में या खुद के प्रोफेशन में इंगेज हैं ठीक है वो क्या कहलाएंगे दे विल कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है अ डॉक्टर रनिंग ज और हर क्लिनिक ठीक है अ फार्मर वर्किंग ऑन हीज ओन फार्मीक है कोई भी एक फार्मर है अपने फार्म पर खुद खेती कर रहा है तो बेटा क्या होगा ये जरा कॉमेंट में लिख दो जल्दी से सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होगा बच्चे मतलब वो किसी से पैसा तो नहीं ले रहे हैं मतलब पैसा तो एम सॉरी कर रहे हैं बट किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं ना उनका खुद का काम है तो जो बंदा अपना खुद का काम करेगा ठीक है खुद का ऑर्गेनाइजेशन जिसका चल रहा है दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड ओके फॉर एग्जाम्पल एनी फाउंडर ऑफ एनी कंपनी कोई भी कंपनी उसका जो फाउंडर है वो अपनी कंपनी में खुद के लिए काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड क्या हो जाएगा उसने जो इम्प्लॉज को हायर किया है काम करने के लिए वो क्या हो जाएगा हायर्ड वर्कर सो हायर्ड वर्कर आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स दे रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स एज अ रिवार्ड गेट वेजेस एंड सैलरी लाइकवाइज मैं एक टीचर हूँ ठीक है मैं सैल काम कर रहा हूँ स्कूल के लिए बच्चों के लिए उसके बदले में मुझे क्या मिल रही है सैलरी मिल रही है ना तो आई एम आ हायरड वर्कर ओके सो द पर्सनस हु आर गेट इंप्लॉयड ऑन सैलरी बेसिस ओके और मे बी दे आर पेड इन काइंड एग्जाम्पल आपको एक और देता हूं अप्रूफ रीडर वर्किंग इन अ पब्लिकेशन हाउस और अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया ना सेम चीज देखिए मैंने यहां पर लिख रखी है ऐसे एक डॉक्टर की हम लोग बात कर रहे थे इफ ही और शी इज रनिंग हिज ओन क्लिनिक इफ दे आर रनिंग देर ओन क्लिनिक तो बेटा वो क्या हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया अगर किसी एम्स के हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर जॉब कर रहा है ठीक है ना तो वहां पे जो बंदा वो जॉब कर रहा है बच्चे वो क्या होगा ही और शी विल बी हायर्ड वर्कर ठीक है ये स्लाइड क्लियर हो गई आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये जरा से अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड को फॉरवर्ड करता हूं तो अब यहां पे आ गई बात देखिए बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको दिस इज कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है ना बड़ी डीपली करके मैं क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि आपसे ही बोर्ड दो या तीन नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछेगा डिफाइन कैजुअल वर्कर्स तब आपको याद नहीं आएगा कि क्या बताया था सर ने इसलिए जो एग्जाम्पल दे रहे हैं बड़े ध्यान से सुनो ठीक है पॉइंट इज हायर्ड वर्कर्स फर्दर कैटेगराइज जो हायर्ड वर्कर होते हैं ना जैसे हमने कहा सैलरी बेस्ड जो भी लोग हैं वो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर कैजुअल वर्कर मीन्स दीज आर द डेली वेजर्स मतलब जो डेली दिहाड़ी पे हम लोग इम्प्लॉय को बुला लेते हैं मजदूर जिसे कहेंगे ठीक है ना डेली के डेली जिसको हमने काम पे बुलाया सुबह बुलाया शाम में अगर उसका काम हो गया तो शाम को हमें उसके पैसा देना पड़ेगा ठीक है और नेक्स्ट इज फिक्स नहीं है कि उसको काम पे आना है या नहीं आना है ओके व वर्कर्स हुर कॉल्ड ओनली फॉर सम टाइम दे हैव टू कंप्लीट द टास्क आफ्टर दैट दे गेट फ्री दे आर नॉट हायर्ड बाई देर इंप्लायर ऑन रेगुलर बेसिस ठीक है रेगुलर बेसिस पे उनका कोई काम नहीं है दे आर नॉट गिवेन ऑन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और उनको किसी भी तरह का प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा वो क्या होगा कैजुअल वर्कर होगा रेगुलर वर्कर क्या है रेगुलर वर्कर आर परमानेंट पे रोल ऑफ दे आर इंप्लायर्स दे इंटाइटल टू ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पेंशन ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड ठीक है जैसे मैंने कहा ना कोई भी डॉक्टर है टीचर है लॉयर है गवर्नमेंट जॉब में इनगेज है दे आर हायर वर्कर्स दे गिल ऑल बेनिफिट ओके सो इट विल बी रेगुलर वर्कर आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑफन फाउंड दैट कैजल वर्कर आर अनस्किल्ड लाइक वर्किंग द अदर्स इन कंस्ट्रक्शन साइट आर रेगुलर वर्कर ऑन द अदर हैंड इज यूजली स्किल्ड वर्कर लाइक एन इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री ठीक है अब जैसे जो बेटा दिहाड़ी पे मजदूर काम कर रहे हैं एक बिल्डिंग की छत पड़ रही है अब उस पर मजदूर काम करने आ रहे हैं वो क्या हैं है तो वो भी स्किल्ड ना उनके अंदर भी तो स्किल है ना ये नहीं जरूरी है कि कैजुअल वर्कर के अनस्किल्ड होते हैं दे आर ऑल्सो स्किल्ड ओके बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन द रेगुलर बेसिस ठीक है skilled, okay? basis, उनके पास रेगुलर में काम नहीं है और वहीं पर स्किल्ड वर्कर हम किसको बोल देंगे बट अगर वो जिसके पास रेगुलर जॉब नहीं है डेली वेजेस पे आ रहा है वो क्या होगा हम उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे अनस्किल्ड में कर देंगे ठीक है ना वेर एज स्किल्ड हम किसको बोलेंगे द पर्सन हु इन्गेज इन रेगुलर एक्टिविटी ठीक है और उनको रेगुलर बेनिफिट मिल रहा है मतलब एनुअल मंथली या जो भी फिक्स टाइम पीरियड है ड्यूरेशन बेसिस पे उनको इनकम आएगी सैलरी आएगी जैसे कि इंजीनियर है ठीक है ना तो इंजीनियर किसी भी कंपनी का होगा फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको रेगुलरली पैसा मिलेगा मंथली वेस पे या क्वार्टरली या फिफ्टीन डेज पे बट वहीं पे कैजुअल वर्कर वहां पे जो काम कर रहे हैं दे आर अनस्किल्ड अनस्किल्ड उनको इसलिए बोला जाएगा क्योंकि जब तक उनको कोई भी स्किल्ड कैंडिडेट काम के लिए बोलेगा नहीं कि यू हैव टू डू दिस जॉब अंटिल दे कैन नॉट परफॉर्म देयर जॉब्स ठीक है उनको काम करना आता है बट दे नीड डायरेक्शन ओके दे कैन नॉट डू बाई देयर ओन सो वी कैन ट्रीट देम एज अनस्किल्ड वर्कर्स तो हम उनको क्या मानेंगे अनस्किल्ड वर्कर्स मानेंगे ठीक है पूरा मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट बना करके रख दिया है कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो फिर से बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन से होते हैं द पर्सन आर इंगेज इन देयर ओन बिजनेसेस ठीक है खुद के प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इंगेज हैं हायर जो किसी के अंडर काम करते हैं और उनको परमानेंट बेसिस पे सैलरी वगैरह मिलती है कैजुअल वर्कर्स दे आर डेली वेजर्स रोज की दिहाड़ी वाले लोग रेगुलर वर्कर्स सेम एज हार्ड वर्कर्स हुर ऑन परमानेंट पेरोकेक्स्ट पॉइंट यहां पर आ रहा है लेबर सप्लाई क्या है लेबर सप्लाई दूसरा आ रहा है लेबर फोर्स एंड थर्ड आ रहा है वर्क फोर्स ठीक है साहब ये भी दो से टू से थ्री मार्क्स में इंपॉर्टेंट है इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टू और थ्री मार्क्स राइट बात करते हैं यहां पे लेबर सप्लाई की क्या है लेबर सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट बात समझ में आई अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर करेस्पॉन्डिंग्स टू अ पर्टिकुलर वेज रेट ठीक है पर्टिकुलर जो भी गिवेन वेज रेट है यू मे बी एबल टू वर्क टेन आवर्स अ डे बट विलिंग टू वर्क ओनली फॉर सिक्स आवर्स डे पर्टिकुलर वेज ठीक है कि आपके अंदर क्षमता कितने की भी है पर कुछ सीमित समय के लिए कुछ सीमित पैसों पे जब आप जॉब करेंगे सो दैट विल बी लेबर सप्लाई दस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मैन ऑर्स ऑफ वर्कर इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट जैसे फॉर एग्जाम्पल एट ऑर्स की शिफ्ट में इंप्लॉयर नहीं टेन इम्प्लॉय कितने इंप्लॉयज की जरूरत है टेन इंप्लॉयड की तो ये जो टेन आवर्स में एट इंप्लाइज की जरूरत पड़ रही है दिस विल बी द बेटर लेबर सप्लाई नंबर ऑफ लेबर अमाउंट ऑफ लेबर दैट द दे वर्कर आर विलिंग टू ऑफर करेस्पॉन्डिंग मतलब जो भी उनका वेज उस ड्यूरेशन में डिसाइड है उस पर काम करने के लिए ठीक है एंड लेबर फोर्स इट इज़ अ नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज इसमें वेज रेट से रिलेटेड से कोई मतलब नहीं है जितने भी लोग हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जैसे भी बात चल रही थी ना बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए तो अगर उसमें टेन इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा लेबर फोर्स हो जाएगा आठ घंटे में काम फिनिश करने के लिए अगर हमें ट्वेंटी इम्प्लॉयज की जरूरत है तो दैट विल बी लेबर सप्लाई बात क्लियर हो गई ना लेबर सप्लाई का मतलब क्या है सप्लाई का मतलब क्या है आप लोगों ने पढ़ा था आउटपुट वट एवर आउटपुट इज प्रोड्यूस तो यहाँ पे भी जितने आउटपुट निकालने के लिए जरूरत है जितनी लेबर की वो क्या हो जाएगी लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स का मतलब क्या है एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर वर्किंग और हु आर विलिंग टू वर्क ठीक है सो so, यहाँ पे फिर से हम दोहरा लेते हैं बात को रिपीट कर लेते हैं लेबर सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट्स ठीक है मतलब नंबर ऑफ़ लेबर्स कितने हमें जरूरत है अकॉर्डिंग टू वेजरेट जो भी हमारा पर डे पेमेंट डिसाइड हो जाता है या और के अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाता है एंड लेबर फोर्स इज द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इज नो रिलेशन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट कि कोई भी वेज रेट से मतलब नहीं है सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन वेन नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कॉन्स्टेंट जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो अगर कॉन्स्टेंट हैं तो लेबर की सप्लाई बढ़ सकती है बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ मैन डेज और पर्सन 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 डेज और डे डे रेफरिंग टू आवर्स ऑफ वर्क ठीक है हमारे पास इंप्लॉय टेन ही है उनकी एक शिफ्ट कितने आवर्स की है टेन इंप्लॉयज की एट आवर्स की शिफ्ट है ठीक है ना जो नेक्स्ट एट आवर्स की शिफ्ट है अगर उसी में से जो इंप्लॉयज दोबारा शिफ्ट लगा सकते हैं या फोर 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 आवर्स की शिफ्ट लगा सकते हैं तो दैट विल बी लेबर सप्लाई ओके एंड लेबर फोर्स इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इसमें हम क्या करेंगे कितने नंबर ऑफ पर्सन हमें काम करने के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन में चाहिए दैट विल बी लेबर फोर्स इज इट क्लियर नाउ सी हि वॉट इज वर्क फोर्स बेटा वर्क फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा जो भी लेबर फोर्स है उसमें से नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क जो काम नहीं कर रहे हैं ठीक है बट उनकी इच्छा है दे आर विलिंग टू वर्क माइनस कर देंगे यू विल गेट वर्क फोर्स इट रेफर टू एक्चुअली पर्सन वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना कि जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम लोग क्या बोलेंगे वर्क फोर्स बोलेंगे नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अगर आपको निकालना है तो जितना लेबर फोर्स है लेबर फोर्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे इकोनॉमी में अगर मान लो सौ आदमी है एक सोसाइटी में एक मोहल्ले में उसमें से काम पचास ही कर रहे हैं तो जो पचास बचे हुए वो क्या हो गए अनएम्प्लॉयड टोटल लोग जितने भी हैं वो हमारा क्या होगा लेबर फोर्स मतलब जितना ह्यूमन कैपिटल हमारे पास है हु आर एबल टू वर्क जो काम कर सकते हैं वो वर्क क्या हो जाएगा आपका लेबर फोर्स हो जाएगा वर्क फोर्स क्या होगा जो भी लेबर फोर्स मतलब काम में इनगेज हैं ठीक है थीके? तो अनएम्प्लॉयड अगर हमें निकालना है तो जितनी लेबर है उसमें से जो अनएम्प्लॉयड है आप सिंपली उनको माइनस कर दीजिए ठीक है और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं अपॉन टोटल जो भी नंबर है आपकी सोसाइटी के डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यू विल गेट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इजिली आपके पास आ जाएगा अब एक बहुत ही अच्छी यहां पे स्टोरी है वाई डू पीपल वर्क वाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल लोग काम क्यों करते हैं और हम लोगों को जो कहानियां सुनाई जाती हैं मोटिवेशनल स्टडीज सुनाई जाती हैं वो काम करने वालों के बारे में क्यों सुनाई जाती हैं जो फ्रॉडी हैं अनएम्प्लॉयड हैं ठीक है, है कुछ नहीं करते हैं वेले हैं उनके बारे में कोई कहानी क्यों नहीं सुनाता है बिकॉज पीपल वर्क टू अर्न लिविंग इट इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस इन अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ठीक है ये तो हमें भी पता है कि लाइफ सर्वाइव करने के लिए काम करना जरूरी है ठीक है कमाना ज़रूरी है दैट इज़ वाई और साथ साथ में इम्प्लॉयमेंट जब होगा तो सेल्फ स्टीम होगी आप अपने पे डिपेंडेंट होंगे एज वेल एज देयर विल बी सेल्फ वर्थ आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी ओके एंड वेन एवर यू आर वर्न अर्निंग फॉर योर सेल्फ एज वेल एज जॉइंट टूगैदर यू विल वर्क फॉर द नेशन ऑल्सो ओके देन यू विल कॉन्ट्रीब्यूट इन नेशन ऑल्सो राइट सो देयर आर फोर फैक्टर्स फॉर स्टडिंग वर्किंग पीपल स्टडिंग अबाउट इंप्लाइड ऑफर इन साइड इन टू क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ठीक है कि हमें पता लगेगा कि क्या क्वालिटी है किस तरह से लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या जजमेंट थी क्या जज्बा था इम्प्लॉयमेंट स्टडी हेल्प्स टू एनालाइज सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर और इम्प्लॉयमेंट की स्टडी करने से हमें यह भी पता लगता है कौन से सेक्टर में क्या महत्व है उसका ओके एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग द सोशल इश्यूज की सामाजिक प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं अगर हम इंप्लॉयड के बारे में बात करेंगे वहीं अनएम्प्लॉयड में तो अनएम्प्लॉयड हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा राइट right? और उनके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी एंड दे आर नॉट वर्किंग फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो इट ऑफर इनपुट फॉर मैन पावर प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट वी कैन प्लान फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ठीक है और जो भी इम्प्लॉयड पीपल्स हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करके हम लोग फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं नाउ यू कैन सी हेयर साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया इंडिया हैज़ वर्क फोर्स ऑफ नियरली फोर्टी करोड़ ऑफ पर्सन ठीक है फोर्टी करोड़ जो लोग हैं मोस्टली दे आर वर्किंग And 70 of work for companies is male. 70 कौन है? ज ओनली थर्टी फाइव पॉइंट थ्री वन परसेंट इन अर्बन एरियाज ठीक है areas, areas, अब ऐसा क्यों है इन सारी चीजों की जानकारी के लिए आप लोग अगली वीडियो देखिएगा ठीक है हम उसमें सारी बात करेंगे ठीक है कि फीमेल का जो परसेंटेज है वर्कर्स है वो लो है क्यों है बिकॉज अर्लियर वर ए लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ओके इन दुम इकोनॉमी ठीक है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी वुमेन्स के ऊपर इसलिए ठीक है अब यहां पे एक बात और कर लेते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन की इंडिया में मैंने अभी भी आपको बताया कि थर्टी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट जो है वो अर्बन एरिया से पार्टिसिपेशन है जीडीपी के लिए ठीक है और वहीं पे रूरल एरियाज में कितना है बेटा थर्टी फाइव परसेंट है और फिफ्टी थ्री परसेंट जो मैन है वहीं पे फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट कौन है वुमेन है अर्बन एरियाज में इंप्लॉयमेंट में जो पार्टिसिपेट करती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में ठीक है अब थोड़ा सा यहां चार्ट की मदद से देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर अर्बन वर्कर्स में और रूरल में क्या फर्क है यहां पे आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस चार्ट हियर 61.7% are hired workers in urban areas whereas 38.3 परसेंट आर सेल्फ एम्प्लॉयड वहीं रूरल एरियाज़ में बेटा 42 टू हैं फिफ्टी सेवन पॉइंट एट सेल्फ ऐसा क्यों है बेटा रूरल वर्कर्स जो हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं ठीक है ना और अर्बन वर्कर्स में मोस्टली दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर जॉब्स ठीक है बंदी को जॉब मिल गई वो बहुत ज़्यादा सेटिसफाई हो जाएगा ठीक है और अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है जो कि सिटीज़ में पीपल नहीं कर पाते दैट इज़ वाई दे आर हैप्पी इन देयर हायर और रेगुलर बेसिस जॉब ओके ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेनिंग सेक्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो सो स्टे कनेक्टेड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज एंड अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा कि जिससे आपके जो जॉबलेस ग्रोथ है दो चार टॉपिक और हैं अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो भी सारे क्लियर हो जाएँ सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय टेक केयर